अच्छा, तो ये विर्थ हाइट हमने बड़ी डिटेल में लास्ट डिस्कस किया था, तो उससे मुताल्लिक किसी का कोई क्वेश्चन अगर है, जो लास्ट हमने विर्थ हाइट पे डिस्कशन की थी, तो आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया, चला के देखा कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? अच्छा सवाल पूछा तुमने। तो देखो, हमारे पास ना दो तीन अप्रोच हो सकती है, जिसमें एक अप्रोच तो ये कि क्रॉप करना उसको। क्रॉप में ये होता है कि डिटेल जाती है आपकी। अभी कहाँ गया वो? फोटोपिया पे किया था ना हमने। हाँ, फोटोपिया पे चलते हैं। अब कोई इमेज भी चाहिए हमें, इमेज उठा लेते हैं हम कहीं से, भला यही वाली उठा लेते हैं, ये काउंटर वाली इमेज को जो है ना लेकर आ जाते हैं इधर। ओहो यार, ये क्या, उससे लाना पड़ेगा फाइंडर से। अच्छा, एक तो तरीका ये हो सकता है कि इसको मैं क्या करूं, क्रॉप करूं। तो क्रॉप करने के लिए क्या तरीका होता है कि ये क्रॉप टूल है हमारे पास ना। अब ये जूम करने पे गड़बड़ हो जाती है। तो ये हमारे पास क्रॉप टूल है, इससे हम करते हैं ना जब, तो ये क्रॉप होता है। अब देखो, इस जब क्रॉप आ गया तो मैं इसको जो ऐसे करूँगा और इसको मैं ऐसे करूँगा, तो ये क्या हो गया, ये क्रॉप हो गया। अच्छा, क्रॉप करते हुए एस्पेक्ट रेशो भी आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये फ्री लिखा हुआ है ना, इससे मैं कहूँगा फिक्स्ड रेशो। मिसाल के तौर पर मुझे 16:9 का रेशो चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, 16:9। ठीक है, तो ये 16:9 पे ही है ऑलरेडी। तो जब मैं इसको छोटा करूँगा ना, तो ये 16:9 पे फिक्स हो गया है। इसको मैं कहीं से भी बड़ा करूँ, ये 16:9 पे रहेगा। सही है, तो एस्पेक्ट रेशो आपको पता होना चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ का एस्पेक्ट रेशो क्या होता है, 1:1 होता है। ठीक है, यानी बिल्कुल स्क्वायर। 16:9 का मतलब है कि विड्थ में अगर 16 है तो हाइट में 9 होगी, तो ये एक रेशो है। तो इसी तरह अगर विड्थ में अगर 32 है तो हाइट में कितनी होगी भाई, 16:9 रेशो है ना, कि अगर विड्थ 16 है तो हाइट 9 होगी। तो अगर विड्थ को मैं डबल कर दूं तो हाइट भी डबल होगी ना। तो अगर विड्थ किसी इमेज की 32 पिक्सल है तो उसकी हाइट अब कितनी होनी चाहिए, 18 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब जितनी ऐसे है। और अच्छा, एस्पेक्ट रेशो और भी बहुत सारे होते हैं, जो आपका यहाँ पे मैं लिखूँगा ना, एस्पेक्ट रेशो लिखूंगा, रेशन लिख दिया मैंने। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस का और डिफरेंट, ये देख रहे हो, इस तरह के डिफरेंट एस्पेक्ट रेशो हो सकते हैं। ठीक है, मोबाइल का जो एस्पेक्ट रेशो होता है आमतौर पे वो 16:9 होता है, बट अगर इसको आप पोर्ट्रेट में देख रहे हैं तो 99:16 होगा। फिर विड्थ कम हो जाती है ना, विड्थ 9 हो जाती है, हाइट 16 हो जाती है। ठीक है, और इसी को मैं लैंडस्केप करूँगा तो 16:9 हो जाएगा। तो इस वक्त जो मूवीज़ वगैरह बन रही हैं वो सारी 16:9 पे बनती हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह करके देख सकते हैं कि भाई कौन सी स्क्रीन का ना क्या एस्पेक्ट रेशो होता है। अब इसी तरह आप लिखेंगे कि फेसबुक का जो वो आपका वॉल होता है, क्या होता है, वॉल फोटो होता है, क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड में जो होता है बैनर, अबे एन क्यों लिख दे रहा हूँ मैं बार बार रेशो में। कवर फोटो कहते हैं, सही है, वॉल फोटो नहीं कहते। कवर फोटो का एस्पेक्ट रेशो अगर मैं पूछूंगा इससे, तो देखो मुझे ये बताएगा कि ये है एस्पेक्ट रेशो। अभी प्रॉपर कहीं पे नहीं दिख रहा, एक मिनट, गूगल पे ही सामने ही लिखा हुआ आ जाता है, 16:9 है उसका। ठीक है, फेसबुक के जो कवर फोटो का एस्पेक्ट रेशियो 16:9 है। तो क्रॉप करते हुए अगर एस्पेक्ट रेशियो आपने आगे पीछे कर दिया तो समटाइम प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, क्रॉप करने से डिटेल जाती है। अगर आपने इसको क्रॉप नहीं करना, सिर्फ क्वालिटीज़ की कम करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे इमेज में जाके, और कहाँ गए थे हम, इमेज साइज़, सही है, यहाँ से आप इमेज का साइज़ कम कर लेंगे। सही है, ये 3400 है तो मैंने इसको 1500 कर दिया।
ठीक है, और 1500 करके मैंने ओके किया, तो इसके पिक्सल्स कम हो गए लेकिन क्रॉप नहीं हुआ ये, इसके पिक्सल्स कम हो गए। जिस साइज़ में मुझे चाहिए मैं उस साइज़ में कर लूँगा, और ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, शार्पनेस इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इस अप्रोच से जब ये इसको क्रॉप कर रहे होते हैं ना हम, तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं दोबारा इसमें जाऊँ इमेज साइज़ में, तो आप ये देख रहे हैं इसको सैम्पलिंग करता है ये, मतलब ऐसे 3400 पिक्सल है ना अगर हॉरिजॉन्टली, तो वो 3400 पिक्सल में से क्या करेगा, वो एक को पकड़ लेगा, उसके बाद वाले दो का एवरेज निकाल के उसी एक में मर्ज करेगा, तो इस तरह करके वो श्रिंक करता है, ठीक है। तो डिटेल ज़ाहिर है उसकी कम हो जाएगी, पिक्सल कम होंगे तो मुझे मिसाल के तौर पे इसमें जो अगर फेसबुक के कवर के लिए मैं इसको करूँ, फेसबुक कवर फोटो का एक तो एस्पेक्ट रेशियो एक है साइज, एक है साइज़ कि साइज़ क्या होना चाहिए उसका ना, जो यानी उतने पे साइज़ जो है, योर पेज कवर फोटो लेफ्ट लाइन ब्लेडिंग 16:9 एस्पेक्ट रेशो मस्ट बी एटलीस्ट 400 वाइड और 150 पिक्सल टॉल, ये मिनिमम बता दिया इसने, और ये लोड फास्टर देन दिस दैट 851 पिक्सल वाइड, सही है। तो 851 पिक्सल विड्थ मुझे चाहिए, जो फेसबुक रेकमेंड कर रहा है कि ऑप्टिमल होगा और जल्दी लोड होगा, तो मैंने बोला भाई विड्थ मुझे 851 करनी है इसकी, तो मैंने कहा भाई 851 विड्थ होगी, और हाइट क्योंकि यहाँ से ये इस वाली जंजीर से ये कनेक्टेड है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हाइट अपने आप चेंज हो जाती है जब मैं इसको 851 करता हूँ, ठीक है। मतलब लिखते लिखते जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, रीसैम्पलिंग के ना डिफरेंट अप्रोचेस भी हैं इसकी, ठीक है। ए बाईलीनियर एक अप्रोच है, मतलब किसी अप्रोच में वो ये करेगा कि जैसे हॉरिजॉन्टली पिक्सल है ना, जैसे यूँ ऐसे 3400 पिक्सल ऐसे थे, तो तीन पिक्सल को उठाएगा उसका एवरेज निकाल के एक करेगा, तीन को करके एक करेगा, एक ऐसे अप्रोच हो सकती है। एक ये हो सकता है कि एक 9 पिक्सल का एक बॉक्स उठाए, उन सबका एवरेज निकाल के एक कर दे उसको पूरे बॉक्स का, सही है। एक हो या सर्कल सर्कल करके करें, तो डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। तो ये तीन अप्रोच है, बाई क्यूबिक, क्यूबिक से पता चल रहा है कि एक पूरा स्क्वायर उठा के उसको क्यूब कर रहा है ये, बाई लीनियर से पता चल रहा है कि शायद ये लीनियर कुछ कर रहा है, ठीक है। नियरेस्ट नेबर पता नहीं क्या चीज़ है, तो वेल अभी ये डिफ़ॉल्ट जो है ना उसी पे ही हम करेंगे, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको ओके करता हूँ मैं जैसे ही, तो ये क्या हो जाता है, वो इसको क्या हो गया, इसको मैं मज़ीद जब छोटा करता हूँ तो ये पागल हो जाता है। 851 पिक्सल्स और ओके, अच्छा पहले पता नहीं क्या हुआ था, अभी किया तो ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब मैं इस पिक्चर को क्या कर लूँगा, फाइल में जाके दोबारा से एक्सपोर्ट करूँगा, और एक्सपोर्ट करके ऑब्वियसली मुझे पता है JPG इज़ द बेस्ट, अभी हमने वो टॉपिक डिस्कस नहीं किया, अभी बुक में वो भी आगे आने लगा है। अब ये मुझे साइज़ बता रहा है देखो कि ये 45 KB का होने वाला है, ये सही है, इस जगह पे लिखा हुआ आ रहा है साइज़, मेरा कर्सर भी तो नहीं दिख रहा है इस पर, बेड़ा गर्क, ओ एक मिनट, ये ना 45 KB यहाँ पे बता रहा है लिख के। अच्छा, इसकी मैं क्वालिटी को मज़ीद कम भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट मुझे क्या देखना है कि ये क्या शार्प इनफ रहेगा। मैंने क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लिया, 80% कर दिया, 80% करने से 77 KB हो गया साइज़, लेकिन शार्पनेस में कोई खातिर ख्वाह चेंजेस नहीं आए। मैं अगर फुल 100% कर दूँ इसको तो मेरा साइज़ 400 KB हो गया, लेकिन शार्पनेस में कोई ख़ास कमी, ख़ास चेंजेस नहीं आई है मेरे पास, सही है, कुछ इस तरह से बंदे को दिख रहा होगा। तो मैं इसको वापस कम करता हूँ, और वापस इसको मैं 50% पे लाता हूँ, जहाँ पे मुझे दिखेगा कि हाँ यार ऑप्टिमल है ये, वहाँ पे मैं इसको सेट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये 48 KB की फ़ाइल बन के सेव हो जाएगी, सेव, सही है, ये डाउनलोड हो गई है बन के। अब इसको आप ओपन करें, ओपन करके मोस्ट प्रॉब्ली आप इसको देखना चाहेंगे डाउनलोड के फोल्डर में जाके, ठीक है। एक तो ये ओरिजिनल फाइल जो थी इसका साइज़ था 900 KB, अब मैं डाउनलोड्स के फोल्डर में जाता हूँ, और ये जो अभी डाउनलोड हुई है इसका साइज़ जो है वो 50 KB है, और इसका जो विड्थ हाइट है वो भी क्या है, 851 है इसकी विड्थ, उस वाले की विड्थ कितनी थी, 3400 समथिंग,
तो हमारे पास दो अप्रोच है, एक है क्रॉप, क्रॉप में डिटेल जाती है, दूसरा है उस इमेज का साइज़ हम कम कर दें, कैनवास का साइज़। और वो मैंने आपको फोटोपिया सॉफ्टवेयर पे बताया। अच्छा, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट तरीका होता है इसको करने का। तो अभी फ़िलहाल यही सॉफ्टवेयर फ्री है, ये फ्रीवेयर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मतलब पेमेंट वगैरह नहीं चाहिए होती इसमें। तो ये थोड़ा सा रिविजन भी हो गया हमारी लास्ट क्लास का, और अब हम आगे आ जाते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन इससे मुतल्लिक? ठीक है, अगर आपको फोटोपी के अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर पसंद है, फोटोशॉप वगैरह, जो मैक के अंदर एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर भी होता है मार्कअप, उससे भी हो जाता है। विंडोज़ के अंदर एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, उससे भी हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मोबाइल फ़ोन में भी एडिटर होता है, उससे भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये फोटोपी इसलिए बताया कि ये तीनों प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल मिलेगा, वेब एप्लीकेशन है, तो चाहे आप मोबाइल पर हों चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हों, ये दोनों पर इवनली काम करता है, इसलिए मैंने ये बताया है। ठीक है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी से होगा, किसी भी फोटो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी अगला टॉपिक है वेयर टू प्लेस इमेज इन योर कोड। वेयर एन इमेज इज प्लेस्ड इन द कोड विल अफेक्ट हाउ इट इज़ डिस्प्लेड। हेयर आर थ्री एग्जाम्पल ऑफ इमेज प्लेसमेंट दैट प्रोड्यूसेस डिफरेंट इफेक्ट। अच्छा, नंबर एक है बिफोर अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ से पहले कोई इमेज हो सकती है। अच्छा, ये क्या करेगा, द पैराग्राफ स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन आफ्टर द इमेज। ठीक है, ये नीचे आपको दिख भी रहा है कि कुछ इस तरह से होगा, आर्टिकल वगैरह में आपने देखा होगा इस तरह से लिखा होता है। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है, अच्छा पैराग्राफ न्यू लाइन में क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि पैराग्राफ इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो वो अभी ब्लॉक लेवल, अभी आगे आ जाएगा कि क्या होता है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है, वो कोई अगर पहले से एलिमेंट पड़ा हुआ है तो उसके साथ नहीं आता, वो अपनी खुद की नई लाइन स्टार्ट करता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, H1 भी ब्लॉक लेवल है, पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल है, और भी बहुत सारे हैं ब्लॉक लेवल हैं वो। अच्छा, फिर इनसाइड, अच्छा एक तो अपनी लाइन खुद की स्टार्ट करता है और अपनी लाइन में किसी और को आने भी नहीं देता, यानी कोई दूसरा एलिमेंट जब आएगा तो वो उसके अगली लाइन पर आएगा। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल ना खुद किसी की लाइन में आता है ना अपनी लाइन में किसी को आने देता है, वो पूरी विड्थ लेता है स्क्रीन की। अच्छा, इनसाइड द पैराग्राफ, पैराग्राफ जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपने पैराग्राफ के टैग के अंदर, आप यहाँ पे अगर नोट करें तो ये पैराग्राफ का टैग है, इसके अंदर ये इमेज है, इससे पहले नहीं है, तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा आपके पास। ठीक है, और दरमियान में भी पैराग्राफ के आप लगा सकते हैं, उससे कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा अब इमेज को ना अलाइन, जाहिर है आपको अलाइन करना पड़ सकता है इन साइड द पैराग्राफ, तो उसके लिए ना ये बता रहे हैं कि ओल्ड कोडेक पैराग्राफ के अंदर इमेज को अलाइन करने के लिए। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं ज़रा, नया वाला कोड जो है वो, ओए दोनों पे ही ओल्ड लिखा हुआ है तो नया वाला कौन सा है? दोनों पे ही ओल्ड लिख दिया है कि उन्होंने, मिस्टेक हो गई क्या? वेल, दोनों का कोड हम देखते हैं कि क्या तरीका इख्तियार किया है इन्होंने। ये जो पहला वाला तरीका है इसमें इन्होंने क्या किया है, अलाइन किया है, इसमें अलाइन राइट अलाइन लेफ्ट किया है। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या किया है? ओके, अलाइन टॉप और बॉटम किया है। अच्छा, एक्चुअली वो एक में हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहा है, एक में वर्टिकली अलाइन कर रहा है। जो इमेज को अलाइन करने का, या किसी भी एलिमेंट को अलाइन करने का ना, अब जो नया वाला तरीका है वो, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, वो हम फ्लैक्स बॉक्स जब पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है। अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला है, ये जो अलाइन है ना, ये असल में क्या करता है, ये टेक्स्ट को अलाइन करने वाला आइटम है। तो अभी आपने उसको बोला ना अलाइन लेफ्ट या अलाइन राइट, तो वो पैराग्राफ के अंदर इमेज को क्या किया जाता है, फिर एज अ टेक्स्ट उसको ट्रीट किया जा रहा है, और वो लेफ्ट और राइट हो जा रहा है। तो इसको करके देखिएगा। वेल, स्टिल ये ओल्ड कोड है, हम अभी CSS शुरू करेंगे, क्योंकि ये अलाइन वगैरह, ये अलाइनमेंट के किसी को लेफ्ट कर दो राइट कर दो, इतना ये सब स्टाइलिंग वाली चीज़ है, तो वो स्टाइलिंग जब CSS शुरू होगी तो उसमें ये डिटेल में हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, थ्री रूल्स ऑफ क्रिएटिंग इमेजेस। अब ये कौन से रूल हैं? देयर आर थ्री रूल्स टू रिमेंबर वेन यू आर क्रिएटिंग इमेज फॉर योर वेबसाइट विच आर समराइज बिलो।
वी विल गो इन टू ग्रेटर डिटेल ऑन ईच टॉपिक इन द नेक्स्ट 9 pages. अब ये तीन अगले जो 9 पेज हैं वो इस 3 टॉपिक पे चल रहे हैं. सेव इमेज इन द राइट फॉर्मेट. अब ये राइट फॉर्मेट का क्या चक्कर है? सेव इमेज एट द राइट साइज. अच्छा, ये राइट साइज वाला तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी हद तक. यूज़ द करेक्ट रेजोल्यूशन, ये हम देखेंगे कि क्या चीज़ है. आ जाओ जी, राइट फॉर्मेट क्या चीज़ है. अब ये एडोबी फोटोशॉप से इंट्रोडक्शन करवा रहा है यहाँ पे कि हमने फ़ोटो पी किया है इसकी जगह. कह रहे हैं कि यार ये वो सॉफ्टवेयर हैं, इस कुछ सॉफ्टवेयर का इन्होंने यहाँ पे नाम जिक्र किया है. कह रहे हैं इनमें से कोई आप ना ऑनलाइन एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं और इनमें से कोई इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आई एम नॉट श्योर, इसमें से मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया इन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में से. आप लोग करके देखिएगा तो बताइएगा फिर. अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ सैंपल इसमें दिया हुआ है इन्होंने. एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, एक ये इमेज है. ठीक है, इन इमेजेस को आप गौर से देखें और इसके बारे में इन्होंने क्या जिक्र किया. व्हेन एवर यू हैव मैनी डिफरेंट कलर्स इन अ पिक्चर यू शुड यूज़ जेपैक या जेपीजी या जेपीईजी. ठीक है, इसको जेपैक भी बोल सकते हैं, तीनों प्रोनाउंसिएशन इसकी मिलती है देखने में. अ फोटोग्राफ दैट फीचर्स स्नो और एन ओवरकास्ट स्काई माइट लुक इट हैज़ लार्ज एरिया दैट आर जस्ट वाइट और ग्रे, बट द पिक्चर इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स दैट आर यूजुअली दैट आर सबटल डिफरेंट. अब ये कह रहे हैं कि पहले तो उसने एक स्टेटमेंट दी कि जब बहुत सारे डिफरेंट कलर एक इमेज के अंदर होना तो वहाँ पे जेपीजी जो है वो सही फॉर्मेट है या जेपैक जो है वो सही फॉर्मेट है. फिर ये कह रहा है कि आप इस वाइट वाले को देखें ना, स्नो आपको ऐसा लग रहा है कि पिक्चर में वाइट है बहुत सारा, यानी डिफरेंट कलर तो नहीं है, पूरा वाइट है ऑलमोस्ट. आसमान भी वाइट है, ज़मीन भी वाइट है, फिर थोड़े थोड़े दरख्त ब्लैक हैं, बाकी लकड़ी है थोड़ी सी, तो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो वाइट कलर का है. लेकिन कह रहा है कि असल में ये क्या होता है कि ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर है. ये जो देखने में आपको वाइट लग रहा है ये एक्चुअल में वाइट नहीं है. हर पिक्सल एक इस वाइट एरिया में भी हर पिक्सल का डिफरेंट कलर है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. जैसे इसी तरीके से जैसे ये येलो दिख रहा है पूरा, बट ये पूरा येलो नहीं है, इसमें हर पिक्सल एक डिफरेंट कलर है, कोई थोड़ा कम है कोई थोड़ा ज़्यादा है. तो जहाँ पर बहुत सारे कलर्स होते हैं वहाँ पे हमें क्या करना होता है, वहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट जो है वो सही है. क्योंकि जेपीजी फॉर्मेट जो काम करता है वो किस तरह से करता है कि आपका हर पिक्सल 3 डिजिट का एक 3 नंबर्स का एक वो होता है कि रेड ब्लू और ग्रीन, हर पिक्सल में रेड ब्लू ग्रीन कितना है. तो ये सिंपल सी अप्रोच है इनकी. अच्छा, अब अगला देखते हैं. अच्छा, ये भी सारी जेपीजी इमेज की एग्जाम्पल्स हैं, सही है, ये भी जेपीजी इमेज है. अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं जिफ. ये एग्जांपल्स हैं, उसको ज़रा देखो गौर से कि जिफ इमेज की एग्जांपल है. अच्छा, जिफ और पीएनजी फॉर्मेट व्हेन सेविंग इमेज विथ फ्यू कलर्स और लार्ज एरिया विथ सेम कलर. अब ये क्योंकि लाइन ड्राइंग है या इलस्ट्रेशंस हैं, इसके अंदर यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है ये पूरा है, जो इतना ब्लू दिख रहा है आपको ये सारे पिक्सल इसमें सेम कलर के हैं. ठीक है, अलग अलग नहीं है थोड़े, मतलब ये ऐसे सूरज निकलते हुए कोई शेड नहीं है, कोई ग्रेडियंट नहीं है, वो सॉलिड कलर्स हैं, सेम कलर्स हैं. तो ऐसी जगह पे ये कह रहा है कि आप क्या यूज़ करेंगे, जेपीजी सॉरी पीएनजी या जिफ. व्हेन अ पिक्चर हैज़ एन एरिया दैट इज़ फिल्ड विथ एक्स एग्जैक्टली द सेम कलर इट इज़ नोन एज फ्लैट कलर. लोगो इलस्ट्रेशंस एंड डायग्राम्स ऑफन यूज फ्लैट कलर्स. ठीक है, ये जो लोगो है आपको, ये जो पैर और ये कान है ना, ये एग्जैक्टली ब्लैक कलर की. तो जो लोगो वगैरह होते हैं, जो इलस्ट्रेशंस होती है, उसमें ऐसा बता रहे हैं ये राइटर कि उसमें आमतौर पर फ्लैट कलर्स इस्तेमाल होते हैं. यही वजह है कि आप अक्सर देखेंगे कि लोगो पीएनजी में होता है या जिफ में होता है. अच्छा, नोट दैट फोटोग्राफ्स ऑफ स्नो स्काई एंड ग्रास आर नॉट फ्लैट कलर्स. कह रहा है स्काई भी आपको ऐसा लग रहा था वाइट है पूरा, बट दैट वाज नॉट अ फ्लैट कलर. आप किसी भी इमेज को जूम इन करके आप इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं. ठीक है, हम इसको बल्कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. अब ये हमारा एक सनसेट इमेज है.
इसमें ऐसा लग रहा है कि ये पूरा येलो है, बट आप देखें एक पॉइंट पे जाके ये ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक नए टैब मैंने खोल के इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं कि आया कि वो जो बात बता रहा है क्या वो सही है। अब ये मैंने इसको ना जूम कर लिया काफ़ी सारा, ठीक है, अच्छा खासा जूम करने के बाद भी, अच्छा इसमें वो पिक्सेलेट नहीं कर रहा, ये 200% से ऊपर इसको जाने नहीं दे रहा। इसको मैं मज़ीद कैसे जूम कर सकता हूँ कि ये पिक्सेलेट कर दे इसको, एक एक पिक्सल दिखाया मुझे, शायद सेव करने के बाद मुझे ये अलाउ करें। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, लेट सी के हम उस चीज़ को कर पाते हैं या नहीं। ये हमारे पास इमेज आ गई, ये आप देख रहे हैं पिक्सल कैसे अलग अलग दिख रहे हैं आपको पिक्सल, तो ये एक्चुअली हर पिक्सल का एक अलग कलर होता है। अब देखें ये वाला जो एरिया है ना, अगर इसको मैं जूम इन करता हूँ तो आप ये वाला जो एरिया है इसको जब मैं जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे ना मुझे कुछ अलग कलर्स दिख रहे हैं। जब ये जूम आउट होता है, इधर तो दिख नहीं रहा सही, इसको मुझे शायद कंट्रोल प्लस करके करना पड़ेगा। ये फील हो रहा है, ये जो पूरा येलो दिखने वाला एरिया है ना, असल में उसमें बीच बीच में कुछ अनईवन कलर्स हैं जो कि पूरा येलो नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरफ जैसे जैसे करता जा रहा हूँ तो आप देखें ये अनईवन कलर्स आपको बीच में दिखते जा रहे हैं, और आहिस्ता 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 ये कलर चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली ये इस वजह से हो रहा है कि ये हर पिक्सल इसमें अलग कलर का है। अच्छा, तो अब हम एक PNG भी डाउनलोड करते हैं और उसमें भी इस चीज़ को हम एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। तो कोई PNG इमेज डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ PNG इमेज, ठीक है। अच्छा, PNG इमेज जो है वो उसमें क्या होते हैं, एक्चुअल में पिक्सल्स होते ही नहीं है, ठीक है ना। इसको भी मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। PNG इमेज एक्चुअल में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप्स पे वो ऑपरेट कर रही होती है। तो जब मैं इसको जूम इन करूँगा ना, अच्छा ये इसको पिक्सलेट कर रहा है ये शायद, अब ये पता नहीं क्यों कर रहा है इसको पिक्सलेट। एक मिनट, कोई दूसरी PNG इमेज उठाते हैं जो वाकई में PNG हो। इसमें अप्रोच क्या होती है कि सारे मैड दिखा दे मुझे ये आज की डेट में, इसको ऐसे ही ड्रैग करके ले आता हूँ। अच्छा, ये इसको भी पिक्सेलेट कर रहा है, आई एम नॉट श्योर वाई। अच्छा वेल, इसमें एक चीज़ तो पक्की है कि ये जो बीच में कलर है ना, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया, तो जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसमें किसी किस्म का कोई अनईवन कलर आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, ये कोई अनईवन कलर नहीं दिख रहा आपको। अच्छा, ये वाला जो पिक्सलेशन है ना, ये भी होना नहीं चाहिए था इसमें, ये मेरा ख्याल है मेरे पास जो इमेज व्यूअर है उसका कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल शेप्स पे जो है ना ऑपरेट करता है। मिसाल के तौर पे इसमें जो डेटा सेव हुआ होता है वो पिक्सल्स के हिसाब से नहीं हुआ हुआ होता, वो शेप्स के हिसाब से हुआ हुआ होता है, और उसमें जो एंगल्स और डिग्रीज और कर्व्स इसके हिसाब से होता है, और फिर फिल उसमें, मतलब ये एक पॉइंट शायद यहाँ से शुरू हुआ होगा, इसने बोला होगा भाई 90 डिग्री पे ऐसे जाओ और इतना कर्व कर दो, फिर यहाँ से एक दूसरी लाइन है, फिर इतना कर्व कर दो, फिर ये इतना, तो इस तरह से ये सेव हुई भी होती है। फिर इसमें फिल क्या करना है, तो वो फिल हो गया, फिर कितने कितनी दूरी से एक दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है, ठीक है, वो परसेंटेज में दूरी दी हुई होती है कि पूरा जो बॉक्स बना है उसके सेंटर से इतना ऑफसेट छोड़ के एक लाइन सीधी करो, फिर ऐसे सीधी करो, फिर ऐसे सीधी करो, इन तीनों का डिग्री आपस में क्या होगा, तो इस तरह करके ये डिटेल्स सेव होती हैं। तो अब अगर ये वाली डिटेल ज़्यादा कलर्स अगर हों
इमेज में, तो फिर ये डिटेल बहुत बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हल्का सा 1 पिक्सल कोई चेंज होगा तो वो फिर जाहिर है उसकी वो पूरी डिटेल होगी, पूरा स्क्वायर होगा वो उसका, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल बढ़ जाएगी। यही वजह है कि PNG इमेज को आप जूम करते हैं तो वो उस तरह से पिक्सेलेट नहीं होता, बल्कि बिल्कुल ही नहीं होता पिक्सेलेट। अच्छा, ये जो ये मैंने आपको दो तरह की इमेजेस बताई हैं, एक तो होते हैं जो पिक्सल वाली इमेज है ना, इसका एक बाकायदा नाम है, इसको हम कहते हैं रास्टर इमेजेस, ठीक है, RASTER, इस तरह की स्पेलिंग है। रास्टर इमेजेस होती हैं जो फोटोशॉप है, ये इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो है, फोटोपी जो हमने देखा वो भी इमेज प्रोसेसिंग, ये सारे रास्टर इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। जो मैंने आपको ये PNG वाला बताया ना कि एंगल्स और लाइंस है वो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वैक्टर इमेज, ठीक है। तो अभी जो हमने PNG देखा, आई एम नॉट श्योर कि दैट वॉज वैक्टर और वो उसको वैसे ही कन्वर्ट किया हुआ था किसी JPEG को, तो वैक्टर इमेज आप लिखेंगे ना, ये देख रहे हो वेक्टर इमेज, बाकायदा फील हो रहा है कि ये लाइन से ड्रॉ हुआ हुआ है। तो वेक्टर इमेज जो होता है उसमें एक इलस्ट्रेटर बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है, तो वेक्टर के अंदर ना जो ये मैंने बताई ना डिटेल के एंगल्स और लाइंस और कर्व्स सेव होते हैं वो हुआ हुआ होता है, तो जूम करने पे वेक्टर जो इमेज है वो बिल्कुल ही शार्प रहती है, कभी भी पिक्सलेट नहीं होती क्योंकि उसमें पिक्सल होते ही नहीं है। तो जो PNG है ना वो एक्चुअल में वेक्टर इमेज को सेव करने का एक फॉर्मेट है। अच्छा, वापस आ जाते हैं बुक में ज़रा। तो ये हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कि यार जिफ और PNG में, और अच्छा ये वाली इमेज जो है ये इजीली वेक्टर में बनाई जा सकती है और वेक्टर में इसका साइज़ छोटा होगा। अच्छा, अगर आप इस वाली इमेज को PNG में सेव करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या? वो होगा ये कि वो जो लाइन और कर्व्स है ना वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, इसके अंदर बनेंगे, तो इस इमेज का साइज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर ये इमेज JPG के अंदर 1 MB की है तो ये PNG में कन्वर्ट करने पे कितने MB की हो जाएगी? शायद 20 MB की हो जाए, ठीक है, ये शायद 10 MB की हो जाए, जो कि हमारे लिए वायबल नहीं है, ठीक है। हम इसको एक्सपीरियंस करके भी देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास हमारे पास ये एक इमेज है, राइट, इस इमेज का साइज़ क्या है राइट नाउ? इस इमेज का साइज़ जो है वो 49 KB है डिस्क में, सही है, इस वक्त 47 KB, 49 KB इस तरह कुछ है। अच्छा, इसको अब मैं लेके जाता हूँ फोटोपी पे लेकर जाता हूँ, और उसमें तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं किसी और फॉर्मेट में भी सेव कर सकता हूँ, राइट। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि देखें एक्सपीरियंस करके कि जिफ में या PNG में अगर हम इसको सेव करते हैं तो क्या होता है। मैंने कहा एक्सपोर्ट एज और PNG पे क्लिक किया, PNG पे क्लिक करते ही देखो साइज़ कितना बढ़ गया इसका, 281 KB बता रहा है कि ये होने वाला है, हालांकि JPG में साइज़ क्या था इसका? JPG में साइज़ था इसका 47 KB, कहाँ 47 KB, कहाँ 281 KB, तो 10x तक साइज़ इसका बढ़ चुका है। अच्छा, उसकी जगह अगर मैं उसको जिफ करूँगा तो ये 69 KB पे आ रहा है, ठीक है, और मैं उसकी जगह अगर JPG करूँगा तो ये 9 KB पे आ रहा है, क्योंकि क्वालिटी भी इधर कम हुई भी ना, 100% करूँगा तो ये 146 पे आ रहा है, 70% शायद डिफ़ॉल्ट होता है आई थिंक। तो हमने ये क्लियरली देखा कि इस तरह की कोई इमेज जिसमें कलर ज़्यादा है अगर हम उसको PNG में सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका साइज़ बहुत बढ़ जाएगा, और उसका रीज़न भी हमने समझा कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि PNG पिक्सल पे ऑपरेट नहीं करता। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अब इमेज के डायमेंशंस की कुछ बात हो रही है। अभी जो हमने जिक्र किया था कि हमारे पास दो अप्रोच होती है, एक होता है कि यार क्रॉप कर दें, एक होता है कि उसका साइज़ रिड्यूस कर दें, वो दोनों चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप करने की। तो ये कह रहा है कि भाई हमेशा ना हर केस में इमेज को क्रॉप करना पॉसिबल नहीं होता, सही है। एक इमेज अगर पोर्ट्रेट में है मेरे पास और मुझे उसको क्रॉप करना है, ठीक है, मेरे पास 16:9 रेशो पे मुझे लगाना है, मुझे क्रॉप करना है उसको, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? एक तो तरीका ये होगा कि मैं उसको क्रॉप करूँगा तो उसका सर ही कट गया,
दूसरा तरीका ये होगा कि मैं साइड में एम्प्टी स्पेसेस दूंगा उसके, इस तरह करके क्रॉप करूंगा कि एक इमेज ऐसे बनाऊंगा उसके ऊपर लाके चिपका दूंगा, तो दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। या एक इमेज लैंडस्केप है, मुझे वो पोर्ट्रेट के शेप में चाहिए, तो उसको मैं अगर क्रॉप करता हूँ तो ये सूंड इसकी गई, या एम्प्टी स्पेसेस छोड़ूंगा, तो ये भी एक्सेप्टेबल। तो क्रॉप करना हर केस में पॉसिबल नहीं होता, जैसा कि तुमने भी एक्सपीरियंस किया है कि सर वो क्रॉप करने से तो आधी हो जा रही है इमेज। तो क्रॉप करना जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे हम करेंगे, जहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज के रेजोल्यूशन को हम कम कर देंगे। अब ये रेजोल्यूशन की बात क्या है, इमेज क्रिएटेड फॉर द वेब शुड बी सेव्ड एट अ रेजोल्यूशन ऑफ 72 पिक्सल पर इंच। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज द लार्जर द इमेज साइज ऑफ द फाइल, द लार्जर द साइज ऑफ फाइल। अच्छा, जैसे कि JPG में हमने ज़िक्र किया कि यार वो पिक्सल पे ऑपरेट करता है, हर पिक्सल के अगेंस्ट 3 RGB की 3 वैल्यूज़ हैं। तो इमेजिन करो कि एक 1000 या 500x500 पिक्सल की एक इमेज है JPG फॉर्मेट में, तो कितने पिक्सल हुए ये, 500x500, राइट, ये 250,000 पिक्सल हो गए आपके, ठीक है, 250,000 पिक्सल हो गए। और 250,000 पिक्सल के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई कर दो इसको कितने नंबरों से, तीन वैल्यूज़ होंगी ना, तो हमारे पास तकरीबन 750,000 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। 750,000 वैल्यूज़ का मतलब है कि 750,000 बाइट्स, ठीक है, क्योंकि बाइट में होता है ना, एक वैल्यूज मतलब एक बाइट है, तो मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया ये, 750,000 बाइट को डिवाइड करूँगा ना मैं इसको KB में लाने के लिए, तो डिवाइड बाई 1024, मतलब बाइट को अगर किलो बाइट बनाना है तो डिवाइड कर दिया मैंने, और इसको मज़ीद डिवाइड करूँगा मैं किस में लाने के लिए, MB में लाने के लिए। अच्छा, MB में तो पॉइंट्स में चला गया, तो KB में ही रखते हैं इसको, ठीक है। तो KB में जैसे ही मैं करता हूँ तो 732 KB बनता है इस इमेज का जो साइज़ है वो 732 KB बनता है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई एक, इसके अंदर ना ये इमेज का साइज़ हो गया और ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। अब दूसरी एक बात हम ये करते हैं कि पिक्सल पर इंच क्या चीज़ है। पिक्सल पर इंच ये होता है कि एक तो भाई 500x500 पिक्सल की इमेज थी, मेरी स्क्रीन 1000 पिक्सल की है, तो अगर 500 पिक्सल वाली इमेज मैं खोलता हूँ अपने कंप्यूटर पे, तो मेरे पास ये कितने पिक्सल की इमेज है, काइंड ऑफ 700 पिक्सल की इमेज है। तो ये मैंने खोला ना, तो ये देखो अपने एक्चुअल पिक्सल में ये ओपन हो गई है, अपने एक्चुअल पिक्सल में ये ओपन हो गई है। अच्छा, अब ये पिक्सल पर इंच ना इसका स्क्रीन से ताल्लुक है। जो हमारे पास स्क्रीन्स अवेलेबल हैं जदीद, जो LCDs हैं हमारे पास, इसमें एक इंच में कितने पिक्सल आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिक्सल पर इंच, सही है। मिसाल के तौर पे मेरा जो मॉनिटर है इस वक्त वो कितने इंच का है, ऐसे डायगोनल 9 इंच और शायद 11 इंच में भी, देख लेते हैं इसको, सर्च कर लेते हैं। ये स्क्रीन इसकी कितने इंच की है, 13.3 इंच चाहिए, एक मिनट यार। अच्छा, वो तो डायगोनल नापते हैं ना, 13.3 इंच, हम ज़रा देखना चाह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितना है, नहीं बता रहा कहीं पे भी कोई। स्क्रीन साइज़ लिखता हूँ ज़रा, ये बता रहा है स्क्रीन का साइज। वेल, चलो इसमें हमें कुछ इनफ डिटेल मिल रही है इस वाली फोटो में। जो मेरी स्क्रीन के ऊपर जो ऐसे जो पिक्सल्स हैं ना वो हैं 2500 पिक्सल हैं, और ऐसे जो हैं वो 1600 पिक्सल हैं, लेकिन मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम से रेजोल्यूशन जो सेट किया हुआ है वो 1400 पिक्सल का किया हुआ है, देख लेता हूँ ज़रा जाके।
डिस्प्ले, और भाई कैसे होगा पता नहीं, उन्होंने सब चेंज कर दिया यार।